हेलो वेलकम बैक व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे हाफ स्लीव वेस्ट इसके बारे में और पॉपुलर वेस्ट जो आपको पसंद होती है इस वेस्ट के बारे में। तो दोनों में हम ये जानेंगे कि क्या डिफरेंस है और क्या फ़ायदे हैं। देन उसके अकॉर्डिंग अगर आप आगे जब वेस्ट खरीदेंगे तो आप दोनों को सोच कर कंपेयर करके डिसीजन ये बेटर ले सकते हैं कि आपको किस मौसम में कौन सी वेस्ट पहननी चाहिए। मोस्टली होता ये है कि जब हम वेस्ट पहनते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि किसमें क्या बेनिफिट है, बल्कि ये सोचते हैं कि जैसा आज तक लोगों को हमने पहने देखा है अपनी फैमिली में या दोस्तों को, तो हमें वही खरीदनी है, वही पहननी है। और इसी की वजह है कि इस तरीके की वेस्ट ज़्यादा पसंद की जाती है और ये वेस्ट कम लोग पहनते हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे और उसके बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। एंड आई थिंक सो कि इन फ्यूचर आप बहुत अच्छे से डिसीजन भी ले पाएंगे कि जिससे कि आपको स्किन से होने वाली प्रॉब्लम्स और नॉर्मल जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हमें वेस्ट पहनने से होती हैं वो आगे फिर आपको नहीं होंगी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो वे सब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वेस्ट की कि इसमें कौन से ऐसे पॉजिटिव पॉइंट हैं जिसकी वजह से इसे अपनाया जाए। पहले बात करते हैं हम अपने सिनेरियो की। जिस भारत में हम रहते हैं वहाँ पर ऑलमोस्ट ज़्यादातर ऐसी जगहें हैं जहाँ पर पूरे साल में 8 महीने गर्मी रहती है और कुछ कोस्टल एरियाज़ भी ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी रहती है और मोस्टली कुछ प्लेन एरिया भी ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी रहती है। तो ऐसे में जब आपको पसीना ज़्यादा आता है तो ऐसे में ये बनियान आपको सबसे ज़्यादा आराम देती है। लेकिन हाँ, जहाँ आपने इसको यूज़ नहीं किया है तो शायद आप इसके बेनिफिट को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हाँ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स को समझिए कि ये अगर आप बहुत हाईएस्ट हीट में रहते हैं या गर्मी के एरिया में रहते हैं जहां पर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ऐसे में अगर आप इसको पहनते हैं तो ये आपको एक्सेस ऑफ स्वेटिंग से बचाती है, क्योंकि इसमें जो कॉटन का कपड़ा लगा होता है जिसकी वजह से ज़्यादा आपके पसीने को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसका एक बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि जो आर्म पिट का एरिया होता है इसमें कपड़ा होने की वजह से ये आपके यहाँ के पसीने को भी एब्जॉर्ब कर लेती है और जो इन एरिया से जो बदबू आने की जो समस्या रहती है उसको ये काफ़ी हद तक कम कर देती है। अगर इसको हम ना पहने और आर्मपिट में से अगर पसीना आए तो वो आसपास के अगर कोई खड़ा है आपके पास में तो वहाँ तक भी उसकी स्मेल जा सकती है, लेकिन अगर इस बनियान को आप पहने हैं तो ये उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है और उसमें से बदबू को बिल्कुल नहीं रिलीज़ होने देता। मोस्टली ऐसा होता है जब हम ऑफिस जाते हैं, काम पर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, बस में, ट्रेन में, मेट्रो में, तो अगर हम तेज़ी से चलकर आए तो पसीना आ ही जाता है बॉडी में। तो अगर हम इस तरीके की बनियान को यूज़ करते हैं तो ये अंदर पसीने को ही एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको शर्ट में नहीं आने देती, जिससे कि आप फ्रेश फील होते हैं जैसे कि आप घर से निकले थे बिल्कुल उसी तरह। अगर इसका एक और फ़ायदा एडिशनल और आगे देखा जाए तो इसका फ़ायदा ये भी होता है कि जब पसीने से अंदर की हमारा जो इनर है वो भीग जाती है तो वो हमें ठंडक भी देती है और ये आपके बॉडी को भी कूल रखती है। साथ ही साथ अगर मौसम ठंडा बहुत है तब भी ये आपको वार्म रखने में मदद करती है, और अगर आपको स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, एक्सेस ऑफ स्वेटिंग, तो क्योंकि वो भीग गई है और उसके भीगने के बाद वो आपको जब हवा लगेगी तो उससे आपको अंदर ठंडक भी फील होगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसके काफ़ी हद तक पॉजिटिव फ़ायदे ज़्यादा हैं, लेकिन हाँ ये बात अलग है कि मोस्टली यंगस्टर्स में इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है और वो लोग इसे पसंद नहीं करते। लेकिन अगर आप इसके पॉजिटिव पॉइंट्स को देखेंगे और एक बार यूज़ करके देखेंगे तो शायद अगर आप जब गर्मी में कहीं पर होंगे और बहुत ज़्यादा हीट में होंगे तो दूसरे लोग तो ऐसे ऐसे कर रहे होंगे, लेकिन आप आराम से वहाँ पर कूल होके खड़े रह सकते हैं, क्योंकि इसको पहनने पर आपको ज़्यादा गर्मी भी फील नहीं होगी। ये साइंटिफिकली प्रूव भी है और प्रैक्टिकली भी प्रूव्ड है। तो इसको आप यूज़ करके देख सकते हैं, अगर आपको ये अच्छी लगती है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे हमारे वेस्ट के ऊपर जो कुछ इस तरीके की है। अब आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। अब दोस्तों, अगर हम इस डिज़ाइन के बारे में बात करें तो ये तो बहुत ही पॉपुलर है और सभी की पहली पसंद रहती है। इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस आते हैं, कलर्स आते हैं और इसमें हमारा जो लुक होता है वो भी काफ़ी सेक्सी लगता है। लेकिन इसके अगर बेनिफिट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि अगर आप इसे जिम के समय में पहनते हैं या कोई हैवी वर्कआउट आप कर रहे हैं उस समय अगर पहनते हैं तो ये आपको फ्रीडम देती है, जैसे कि आप हर एंगल में अपने हाथ या अपने जो शोल्डर्स हैं उसको मूवमेंट कर पाए, जिसमें आपको कोई दिक्कत ना फील हो, अनकंफर्टेबल फील ना हो। तो उस स्थिति में ये वेस्ट जो है बिल्कुल परफेक्ट है और आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं।
अब अगर हम आगे इसके और पॉइंट्स पर बढ़ें तो आई पर्सनली फील कि इट लुक्स गुड, ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है और हर एक यंगस्टर की पहली पसंद रहती है, पर्सनली मेरी भी है। लेकिन कहीं कहीं पर शायद मैं जब कहीं ऐसी जगह पर जाता हूँ जहाँ एक्सेस ऑफ स्वेटिंग है तो शायद मैं इसको प्रेफर करता हूँ, जिससे कि मुझे प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा गर्मी में, ज़्यादा स्वेटिंग में। तो अगर हम स्वेटिंग की बात करें जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ऐसे में उस समय पर जहाँ पर हमें फुल शर्ट पहनकर जाना है या फिर हमें काफ़ी देर बाहर रहना है, तो ऐसी स्थिति में हम अपनी इस इनर को दूसरी इनर से चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं। मैं डेफिनेटली ये नहीं कह रहा कि आप सोचिए ही, बट अगर आपको ऐसा फील होता है कि हाँ उसकी ज़रूरत है, देन यू कैन थिंक ओवर इट कि अगर हम शर्ट पहन कर जा रहे हैं और लंबे समय तक अगर हम बाहर रहेंगे तो फिर जो आर्म पिट से जो पसीना आएगा वो तुरंत हमारी इस एरिया को गीला कर देगा, और फिर अगर हम किसी के पास खड़े होंगे तो थोड़ी देर के बाद ही यहाँ से बदबू आ सकती है, या फिर अगर हमने डिओड्रेंट यूज़ भी किया है या पाउडर यूज़ किया है फ्रेग्रेंस का, तो हाँ वो थोड़ा सा उसको कंट्रोल करेगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा समय तक रहेंगे तो फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा और इस एरिया में ज़्यादा पसीना आने की वजह से फिर बदबू जनरेट हो सकती है। अगर मैं इस बात को कहूँ कि नहीं ठीक है, अगर आप उसमें डिओड्रेंट यूज़ भी कर रहे हैं तो जो एरिया ये होता है इस साइड की जो स्टेन उस पर लगेगा पसीने के खारेपन की वजह से, तो वो शर्ट को ख़राब कर देगा, उसके कलर को फेड कर देगा। ये थोड़ा सा इसका एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर रहता है। और दूसरा एक नेगेटिव पॉइंट अगर हम इसकी बात करें तो सर्दियों में भी थोड़ी सी दिक्कत ये रहती है कि अगर मान लीजिए आप बहुत कम कपड़े में कहीं जाना चाहते हैं, तो अगर हम इस वेस्ट को अगर हम पहनते हैं तो फिर क्योंकि ये पूरा एरिया अंदर से खुला रहता है तो ये आपको जो कोल्ड है उससे ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, ऑलमोस्ट आपको इतने एरिया में और स्टमक में और पीठ में ही आपको ये प्रोटेक्ट करेगा, बाकी एरिया खुला रहने की वजह से हो सकता है आपको ठंडा मौसम ज़्यादा लगे। तो उस स्थिति में ये वाली जो वेस्ट है ये आपको एक इनर का भी काम करती है, साथ ही साथ आपके बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करेगी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि इसकी एक अपनी चॉइस होती है, इसका अपना एक अलग पैशन होता है इसे पहनने का, और इसमें एक अलग फील भी आती है पहनने की। तो मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड, और ये जहाँ पर हमें एक प्रीमियम फील देती है और पहनने में हमें एक अच्छा फील देती है तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं है तो फिर हमारा बाहर ही जाना फिर बेकार हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ों को डिस्कस इसलिए किया है कि जहाँ पर स्वेटिंग की बात होती है, पसीने की बात होती है, और उसको कंट्रोल करने के लिए हम बहुत सारे काम करते हैं, चाहे हम डिओड्रेंट यूज़ करते हैं या फिर आगे हमें जाके खुजली या फिर और कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे बचने की बात करते हैं, तो अगर हम उसमें थोड़ा सा अगर चेंज कर लें कि जहाँ पर जिस दिन हमें बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ हीट में जाना है, गर्मी में जाना है, कुछ ऐसा काम है बाहर जाना है जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, तो हम फिर इसको चूज़ कर सकते हैं उस दिन के लिए, और बाकी के दिन में अगर हमारी ये सबसे पहली पसंद है तो हम इसको भी पहन सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका कैसा काम है और आप कितनी देर बाहर रहेंगे उसके अकॉर्डिंग। मोस्टली लोगों ने आपने देखा होगा कि जो लोग जो देश जहाँ पर बहुत ज़्यादा मौसम अच्छा रहता है, कोल्ड रहता है, वहाँ कुछ लोग इनर्स का यूज़ भी नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट शर्ट पहनते हैं उसके ऊपर दूसरे आउटफिट का यूज़ कर लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उनके कंट्री में कैसा वेदर है, कैसी जगह है, लेकिन हम जिस कंट्री में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उसमें तो गर्मी ज़्यादा ही रहती है और कुछ जगहों पर तो ज़्यादा एक्सेस ऑफ हीट रहती है। तो उस संदर्भ में अगर हम बनियान को यूज़ करते हैं तो हमें ज़रूर दोनों चीज़ों के बारे में सोच कर उसके बारे में डिसीजन लेना चाहिए, और दोनों ही में हमें कम से कम एक एक सेट तो दोनों का रखना ही चाहिए, जिससे अगर हम गर्मी में जा रहे हैं ज़्यादा एक्सेस ऑफ स्वेटिंग है तो हम इसको पहन लें, और अगर नॉर्मल मौसम है शाम के समय में जा रहे हैं तो हम इसको पहन लें। तो आई थिंक सो कि आज का जो वीडियो मेरा था वो इसीलिए था कि हम जब अपनी इस वेस्ट को खरीदें तो हम इसमें ये भी सोचें कि हम किस सिनेरियो में कहाँ पर रह रहे हैं और कहाँ पर हमारी क्या ज़रूरत है, तो शायद हम आगे एक बेटर डिसीजन ले सकेंगे जब हम अपनी नई वेस्ट खरीदेंगे। अगर आपके अब कुछ सवाल हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली में शामिल हो, जिससे आप हमें कमेंट कर सकें और हम उनके जवाब दे सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।